अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय चैनल। और क्या हो रहा है आजकल लेडीज़? आज मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ? आलू बैंगन। नहीं नहीं, आलू बैंगन नहीं है, आलू गोभी है ये। सॉरी। और ये मैं बना रही हूँ आलू गोभी, और ये है आधा किलो आलू गोभी। आलू गोभी नहीं, खाली गोभी आधा किलो है। और इसमें मैं आलू जो हैं वो दो मीडियम साइज़ के दो आलू डालूंगी, और ये आधा किलो गोभी है जिसको अभी मैं छील रही हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों को कौन कौन सी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं? मुझे तो सब सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, गोभी, तुरइयाँ, भिंडी, अरवी, सब सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं मुझे तो। और आप लोगों को कौन कौन सी सब्ज़ी अच्छी लगती है? बस बच्चों का मसला होता है, बच्चे बस तंग करते हैं खाते में, पर मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है हर सालन हर सब्ज़ी खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और ये आलू गोभी कट गई है, ये मैं खड़ी कर रही हूँ ताकि इसका पानी निकल जाए। अब पकाऊँगी आलू गोभी। अब ये मैं ऑयल गरम कर रही हूँ, ऑयल डाला है, प्याज डाली है, और ये अब ऑयल डाल के रखा है मैंने चूल्हे पे। अब डाली है प्याज, प्याज ब्राउन कर रही हूँ मैं, और ये डाल रही हूँ ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा, बस इतना सा ज़ीरा डाला है। टमाटर है और 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये दोनों चीज़ें डाल दूंगी और इसको भूनूंगी मसाले को। ये टमाटर गलने तक और प्याज थोड़ी नरम होने तक भूनूंगी। अब इसमें पिसी हुई मिर्चें वगैरह डालेंगी। ये इसमें मैं 1 चम्मच मिर्चें डाली हैं, पिसी हुई मिर्चें, उससे थोड़ी सी ज़्यादा और डालनी, 1 चम्मच और थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें डाली हैं पिसी हुई, और 1/2 चम्मच तकरीबन हल्दी, क्योंकि हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, हल्दी ज़्यादा डल जाए तो फिर वो टेस्ट ही ख़राब हो जाता है और सालन का कलर भी चेंज हो जाता है। और तकरीबन 1/2 चम्मच ही डालूँगी नमक। नमक डाला 1/2 चम्मच, और बस अब मसाला भूनूंगी। मसाला भून के, बल्कि थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी अभी मैं, थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि क्या नाम है, जो आपने मिर्चें वगैरह डाली हैं ये जल ना जाए, मसाला ना लग जाए, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि टमाटर भी गल जाए और सालन लगे भी नहीं नीचे। ये मसाला भून रहा है, जब ऑयल आ जाए ऊपर तेल तेल सा, जैसे मसाला भून जाता है मतलब ये टमाटर गल जाए, ऑयल सा आ जाए तो फिर सब्ज़ी डल जाएगी, आलू गोभी डाल दूंगी। ये मसाला भून गया है तकरीबन, अब मैं इसमें ये आलू गोभी डाल दूंगी कटे हुए। आलू गोभी ये डाल दिए, अब इसको मिक्स करके और ढक्कन ढक के छोड़ दूँगी, गल जाएंगे ये भाप में, गोभी तो भाप में गल जाती है, आलू भी गल जाते हैं जल्दी, और बस फिर रेडी।
पानी उबाल के रखा है ताकि ठंडा हो जाए। और अब ये मैं काटने जा रही हूँ खरबूजे, लंच से पहले प्री लंच की तैयारी। और मेरे बच्चों को खरबूज़ा बहुत अच्छा लगता है, तीनों चारों को मतलब बहुत शौक से खाते हैं कि मम्मा खरबूजा काट दें, इतना शोर मचा के रखा हुआ था, खरबूजा काट दें खरबूजा काट दें। मैंने कहा अच्छा ये देखें वो खड़े हुए हैं छोटे वाले देख रहे हैं वहाँ से, और मैं खरबूजा काटूंगी और एक कटे का प्याली वाला खरबूजा लेगा। प्याली वाला खरबूजा देखा है आपने, अब देखिएगा प्याली वाला खरबूजा। और अब खरबूजा काटूंगी मैं प्याली वाला, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मम्मा प्याली वाला खरबूजा काटें। और गर्मियाँ इतनी हो रही हैं, गर्मी में तो ज़्यादा से ज़्यादा खरबूजा खाना चाहिए ताकि आपकी जो मतलब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, गर्मी से चक्कर आना, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वो सब कंट्रोल में रहता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है खरबूजे में, तो इससे बहुत मतलब एनर्जी मिलती है। आजकल वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है और ये बहुत सस्ते हैं खरबूजे आजकल, तो मेरा तो यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खरबूजे खाओ। अब आ जाएंगे रमज़ान तो 100 रुपये किलो हो जाएंगे, अभी 100 के 2 किलो 3 किलो हैं, फिर 100 रुपये किलो हो जाएंगे। और ये अब कट रहा है प्याली वाला खरबूजा, इसका ये है कि चम्मच से सारा गूदा निकाल लेते हैं खरबूजे में से, मतलब आधा खरबूजा कट करके और चम्मच से सारा खरबूजे का गूदा निकाल लेते हैं तो वो कटोरी की तरह हो जाता है, सारा कटोरी की तरह, बिल्कुल कटोरी की तरह हो जाता है। फिर वापस खरबूजा जो है उसमें डालते हैं तो कटोरी खरबूजा बन जाता है, देखिएगा। और ये बच्चों का प्री लंच रेडी है, और यहाँ पर आलू गोभी भी रेडी हो गया है, देखें आलू गोभी डिश आउट कर लिया है मैंने। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।